એમની દ્રષ્ટિએ જ્યારે તમે રોક ઓન જુઓ ત્યારે એ માત્ર એક રોક બેન્ડની ફિલ્મ નથી, પણ એ રોક બેન્ડ સાથે સંકળાયેલા લોકોની લાગણીઓની ફિલ્મ છે. અને એ સાક્ષીના પાત્રથી પોતાની ફિલ્મને જુએ છે. એ ફિલ્મ એમના માટે એમનો ફર્સ્ટ ટચ પોઈન્ટ ત્યાં આવે છે કે જ્યાં સાક્ષી એના પતિની પોતાના ઘરની અંદર બોક્સિસ ખોલી રહી છે અને એમાં એના પતિ વિશેની કોઈક એવી વાત એને જડી આવે છે કે જેનાથી એને થાય છે કે મારા પતિ વિશે મને આ તો ખબર જ નથી. અને મહત્વનો વળાંક એમના માટે ફિલ્મમાં ત્યારે આવે છે જ્યારે ડેબી આવીને કહે છે કે જોને આ પરફોર્મન્સ માટે નહીં બોલાવતા. આપણે ભલે એ ફિલ્મ અર્જુન રામપાલ કે ફરહાનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોતા હોઈએ, પણ એમના માટે એ ફિલ્મ જુદી દ્રષ્ટિએ જોવાયેલી છે. પુબાલી આજના મોડરેટર છે અને પુબાલી ચૌધરીને પણ આપણે આજે વેલકમ કરીએ છીએ આપણી વચ્ચે. એન્ડ આઈ અનાઉન્સ ધ સેશન ઓપન વિથ ધીસ. Hello, good afternoon. Thank you for taking time out of lunch time and hearing us talk. So I have a list of really eminent writers and colleagues with me who all have stellar films to their names. So I'm going to quickly open it up to discussions with them. In fact, recently we've seen a crop of films come up. Achha, mera Hindi bhi bahut kamzor hai. Gujarati to bilkul aata hi nahi hai. So you'll have to live with my mixed language. So recently we've seen a lot of films with what we call women protagonists, like heroine-led films. It's considered somewhat of a trend right now. First off, I'd like to ask Ritesh if he pays any attention to me. Haan. Main kya galat Hindi mein baat karu? मैं क्या गलत हिंदी में बात करूं? मैं बंगाली हूं, मेरा हिंदी भी अट्रोशस है. गलत हिंदी चलेगा? अच्छा ठीक है. मुझे बिल्कुल नहीं आता ये सब चीज़ हिंदी में पूछना. हाँ, तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से, यू डिसाइड आप कौन आंसर करेंगे, कि डू यू थिंक दिस इज़ अ रीसेंट ट्रेंड? ये क्या एक नया चीज़ दिखाई दे रहा है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? स्पेसिफिकली मैं हिंदी फिल्मों के बारे में अभी बात कर रही हूँ जहाँ पे महिला चरित्र बेस्ड स्टोरीज हो रहा है. इज़ दिस अ वेरी रीसेंट ट्रेंड और डू यू थिंक इसका पहले भी ऐसे कोई हिस्टोरिकल कोई मतलब, कैन वी टॉक अबाउट द लेगेसी अर्ली सिनेमा में 50s में 60s में ऐसे होते थे हीरोइन लेड फिल्म्स? रितेश ये आप बोलिए. मेरे ख्याल से नया फिनोमेना हम लोग इसको इसलिए समझ रहे हैं कि कुछ साल 2012 से लेके अब तक 2016 तक मेरे ख्याल से डर्टी पिक्चर कहानी के साथ स्टार्ट करते हुए फिर क्वीन से आगे बढ़ के पीको और पिंक तक शायद लोगों को लगा कि ज़्यादा बन रही है या पहली बार बन रही है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. एक खाली एक पीरियड है 1987 से लेके 2011 तक का, 2005 या 7 तक का, जिसमें वो मिसिंग हो गई. उसके बाद भी अलग अलग फिल्मों में, चाहे आप कमीने ले या बंटी बब ले या चक दे लें, जो इससे पहले भी आए हैं जो स्पेसिफिकली वेमेन सेंट्रिक ना हो, बट उसमें ऐसे कैरेक्टर्स आए जो अलग किस्म के थे. और शुरू से ही जब से फिक्शन बनने लगा है हमारे यहाँ, तब से चाहे वो दुनिया न माने हो या औरत हो 40s में, मदर इंडिया हो, फिर एक बहुत सारा जो बंगाल से सिनेमा है जो शरद चंद्र के उपन्यासों पे बनता था, उसमें भी हिंदी में कई सारे वर्जन बने, सक्सेसफुली चले. फिर साउथ में जो के वाला चंद्र जो बना रहे थे, जिस तरह की प्रोग्रेसिव वेमेन सेंट्रिक फिल्में बना रहे थे, उनके भी हिंदी रूपांतर बने और वो भी सक्सेसफुल रहे. और ऑलमोस्ट उस ज़माने में भी उनको विमेन सेंट्रिक फिल्में तो नहीं, बट पॉपुलर टर्म्स में उनको ट्रेजिक फिल्में कहा जाता था, और जो कि बहुत चलती थी. और जहाँ पे भी जो छोटे शहरों और छोटे कस्बों में जिस भी फिल्म में अगर वो किसी विमेन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नंबर करती थी. कमर्शली ज़्यादा वायबल थी एक तरह से, क्योंकि आपके एक्शन फिल्मों की एक लिमिटेड ही डिमांड थी और उसमें फैमिली ज़्यादा जाती नहीं थी. तो ये दौर लगभग आपको लेट 80s में भी, जबकि बहुत बुरी फिल्में बन रही थी, उसमें भी अगर आप 83 से 87 तक देखेंगे तो
आपको बाजार उम्रावजान अर्थ तवायफ प्रतिगत निका ये सारी ब्लॉकबस्टर उस जमाने के हिसाब से सिल्वर जुबली फिल्म्स हैं तो ऐसा नहीं है कि अचानक हम लोग जागे हैं बट उसको हम शायद एकेडमिक हो गए उसके बारे में उसको हमने कुछ नाम दे दिए हैं सोशल मीडिया बड़ा है तो उसके बारे में चर्चा होती है बट नया बिल्कुल नहीं है सक्सेसफुल है ये बहुत खुशी की बात है ओवरटली फेमिनिस्ट फिल्म शायद हमारे यहाँ सिर्फ गुलाब गैंग उतनी सक्सेसफुल नहीं रही इन सब फिल्मों के कंपेयर में बट शायद ये इसलिए भी है कि उसमें से शायद ही कहानियाँ भी अच्छी होंगी सिर्फ इसलिए नहीं चली होंगी कि उसका प्रोटैगनिस्ट क्या एंटैगनिस्ट कोई महिला है जी मैं आपको अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि इज देयर स्पेसिफिक जॉनर्स वेयर विमेन प्रोटैगनिस्ट्स वर्क बेटर मतलब बायोपिक्स हम रिसेंटली देख रहे हैं बहुत सारे बायोपिक्स होते हैं जैसे कि मैरी कॉम और यूजुअली वेंजेंस रिवेंज इज अ कॉमन थीम विद विमेन प्रोटैगनिस्ट कहानी हमने देखे है डू यू थिंक देयर आर स्पेसिफिक जॉनर्स वेयर विमेन कैरेक्टर्स वर्क बेटर ऑल्सो मोर स्पेसिफिकली इफ देयर इज अ वुमन कैरेक्टर इज देयर अ टेंडेंसी टू पोर्ट्रे हर एज अ विक्टिम and therefore how she redeems herself or seeks justice is this the predominant theme that you feel is prevalent in Hindi films which have female leads you know Pupali and sare log sabse pehle bahut zaruri cheez hai ye samajhna ki women protagonists jab hum ye define kar rahe hain to wo kya hai पीकू में दीपिका का रोल या क्वीन में कंगना का रोल या चक दे में शाहरुख है लेकिन वो बाकी पूरी टीम तो क्योंकि वो जो पूरी टीम है हॉकी टीम वो मुझे लगता है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेमेन प्रोटैगनिस्ट फिल्म बनी है और वो विक्टिम स्टोरी नहीं है वो एक रियलिटी है आप इंडिया में हैं तो सबसे बड़ा एनवायरनमेंट जो तो सबसे बड़ा माहौल है यहाँ पे वो यही है कि आप एक रिसीविंग एंड पे हैं द मोमेंट यू आर अ वुमन इन दिस कंट्री फॉर इयर्स आप उस रिसीविंग एंड पे हैं और मंथ बाय मंथ इयर्स बाय इयर्स सेंचुरी बाय सेंचुरी आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड फॉर्चुनेटली अब वो माहौल ऐसा है कि निकल पा रहे हैं आप सड़कों पर बहुत ज़्यादा औरतों को देख रहे हैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा औरतों को देख रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कई सारी औरतें हैं टॉकिंग अबाउट द जॉनर स्पेसिफिक जॉनर की क्या वो सिर्फ विक्टिम रोल कर सकती है या सिर्फ बायोपिक कर सकती है नहीं आई डोंट थिंक सो क्योंकि मदर इंडिया में आप क्या बोलेंगे नरगिस जी का रोल या करेक्ट विक्टिम बट नहीं नहीं अग्रीड अग्रीड विक्टिम बट स्टिल अ वेरी हीरोइक कैरेक्टर नॉट रियली बायोपिक बट स्टिल हीरोइक बंदनी में आप नूतन जी को क्या बोलेंगे सुजाता यस विक्टिम सैड स्टोरी लेकिन दे आर स्टिल स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल वुमेन हु केम क्रिएटेड अ चेंज अनटचेबल्स के ऊपर या छुआछूत के ऊपर या लोअर कास्ट के ऊपर उस जमाने में वो फिल्म बनना और किसी लव स्टोरी को बनाना उस जमाने में इट वॉज अ लव स्टोरी इट वॉज अ जॉनर व्हाट वॉज दैट जब सुनील दत्त वो गाना गाते हैं इट वॉज मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग इन अ मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक लव रोमांटिक फिल्म तो आई थिंक वुमेन प्रोटैगनिस्ट अक्रॉस आप किसी भी सदी में देखिए किसी गाइड यस राजू गाइड के बारे में थी लेकिन रोज का कैरेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग था यस शी नीडेड राजू गाइड टू हेल्प हर आउट बट महानगर में आप देखिए सत्यजीत रे की महानगर में आप मेघना का तारा ऋत्विक घटक का तो इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बायोपिक या सैड स्टोरी मुझे लगता है कि देयर इज़ अ इमेंस स्ट्रेंथ एंड पावर एंड सर्टन ऑनेस्टी एवरी टाइम यू वीव अ स्टोरी अराउंड अ वुमन आपको इतने ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे इतने ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे बायोपिक और विक्टिम बहुत ही सुपरफिशियल लेयर जब होता है ना कि एक हवा चल रही है इंटरनेट में एडीज बैठे हुए हैं निकालो भाई कौन सी वुमेन अचीवर्स हैं उनके बारे में पता करो गूगल करो विकीपीडिया करो अगर कोई मिल जाए कहानी तो उसके ऊपर फिल्म बना दो ये उस लेवल पे बायोपिक्स बन रही हैं लेकिन जो एक सच कहानी है जो सच में वी शुड गो एंड यू नो मेक अ चेंज आई थिंक
it's not limited only to biopic or victim stories. The canvas is huge. Canvas is huge. Look at our country. Yeah, in fact, one of the striking things about Piku is that your woman character is not at all a victim. Yes, and that found an immense connect with audience. Sare audience ko sab log identify kar paaye Piku jaise filmic father daughter relationship and usme alag se kya women ke upar exploitation ho raha hai aisa koi themes you didn't have to write any of that. Bali usi pe ek aur cheez I want to add ki Vicky Donor, yes, Ayushman Vicky ke bare mein thi lekin jab BG aur Dolly unki daughter in law pet ke जब वो ड्रिंक करते हैं विस्की पीते हैं वो सीन सबको याद रहा इट वॉजेंट अ वुमेन प्रोटैगनिस्ट फिल्म बट दैट सीन बिकेम अ सीन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑन इट्स ओन आई डिडंट राइट मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि इस सीन का असर ये पड़ेगा लेकिन जो ऑडियंस ने डिकोड करा वो था तो दो घंटे की फिल्म में दो मिनट का वो एक सीन इतनी एम्पावरमेंट दे सकता है दैट मच स्ट्रेंथ आई गेस वुमेन कैरेक्टर्स कैन ब्रिंग And that came from the milieu that you had set your characters in, right? Like a Punjabi family in Delhi, even a middle class family might sit and have a drink. It wasn't just a fantastical thing that you had come up with, which is why I think people found this great connect. Jaideep, you've had very interesting women characters in your long filmography. Would you like to tell us a little bit about how you perceive as a writer things have changed in terms of audience reception, say from Bunty or Bubbly to your Shuddh Desi? Is there, when you sit and write women characters now, is there any difference like Bunty or Bubbly ke time pe aap kya soch rahe the, audience kaise receive karenge, a woman as a con girl kind of that waise milieu to your most recent release Shuddh Desi mein jaise, I forget Pariniti's character name. आई थिंक टाइम के साथ लोगों का जो ख्याल है वीमेन कैरेक्टर्स के बारे में वो जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आता है लोगों का ख्याल भी बदलता जा रहा है कई बार लगता है कि हम ऑडियंस से थोड़े पीछे हैं कई बार अगली फिल्म में लगता है ऑडियंस हमसे थोड़ा पीछे है जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कंपनी में मनीषा कोइराला उस प्लेइंग ए कैरेक्टर विच हु स्मोक्ड एंड समटाइम्स कुछ ज़्यादा कहने के बजाय शी वुड जस्ट विंक कि हो गई मेरी बात तो उस टाइम मैं हमेशा ये सोचता था कि लोग ये समझते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसी है या ये सोचते हैं क्योंकि ये गैंगस्टर है या गैंगस्टर से रिलेटेड है इसलिए ये सिगरेट पीती है तो वो ज़माना था 15 साल पहले बट दैट गॉट एक्सेप्टेड उस टाइम बड़े लोग कहते थे एक्सेप्ट नहीं हुआ फिर जब हम बंटी और बबली कर रहे थे तो कई लोग कहते थे कि क्योंकि उस टाइम फिल्मों में क्या होता था कि जो लड़के होते यानी आदमी होते थे वो अपना बदला लेने जाते थे जो भी पिक्चरों में उनके काम होते थे और जो लड़कियां होती थी वो एक केटरर कम हाउसकीपर टाइप का काम होता था उनका कि तुम अपना बदला वगैरह लेके आ जाओ मैं खाना गर्म रखती हूँ पट्टी वगैरह बांध दूंगी और तुम बहुत ही ज़्यादा अगर सेंसिटिव हो तो रो लो थोड़ा सा मेरे सामने तो इतना ही होता था तो जब हमने बंटी और बबली करी तो उसमें ऐसा नहीं था कि बबली बंटी से कम है या बंटी बबली से कम है फिल्म का नाम ही ऐसा था तो जब हम लोग कर रहे थे तो काफी लोग बोलते थे ये इतना बोलती क्यों तो एंड वी यूज्ड टू से कि ये क्यों नहीं पूछते कि वो इतना क्यों बोलता है लेकिन उस टाइम जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग कह रहे थे कि ये प्रमोशन वगैरह देख के कि कैसी लड़की है इतना बोलती है मुँह फट है ये है वो है और हम सोचते थे कि एक्चुअली उसका क्या था वो एक छोटी जगह में रहती थी केबल टीवी आ गया था उसने देख लिया था सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय ये मिस इंडिया बन सकती हैं ये हो सकता है मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ वो पहलवान की बेटी थी और उसको कहा था तुम एक जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट लड़के से शादी कर लो और घर बैठो और वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लड़के से शादी करके घर बैठने की कल्पना से वो कांप गई कि मेरी ज़िंदगी तो किचन में ख़त्म हो गई तो वो भाग निकली घर से उसके बाद खैर जैसे हमारी सोसाइटी है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो कॉनमैन बन गए आगे जाके
लेकिन वो कैरेक्टर एक्सेप्ट किया ऑडियंस ने, जबकि पहले सब लोग जब हम बना रहे थे कह रहे थे नहीं होगा। अगर चकते का एग्जांपल दूँ तो चकते में जब प्रमोशन आई थी हमने गाना किया था एक हॉकी दूंगी रख के, जिसमें हमारी सारी जो प्लेयर्स थी सारी कैरेक्टर्स थी फिल्म की, वो हमने मल्टीप्लेक्सेस में गाना चलाया था और मल्टीप्लेक्सेस वालों का हमको फ़ोन आने शुरू हो गए कि व्यूअर्स को बहुत ख़राब लग रही है, वो बोल रही हैं ये कैसी हीरोइन है, ये कोई हीरोइन है, इनमें से कोई भी हीरोइन नहीं लगती, और हूटिंग शुरू हो गई और आप लोग ये अपना बंद कर दो ट्रेलर नहीं तो जिसने आना वो भी नहीं आएगा। तो शुरुआत तो ऐसी हुई थी चकते की। इनफैक्ट जब पहला दिन था, पहले दिन जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री में ओपनिंग कहते हैं, बहुत कम लोग आए थे देखने, क्योंकि विमेन एथलीट्स में किसी को खास इंटरेस्ट था ही नहीं। फिर लेकिन जो थोड़े बहुत लोग आए थे वो भी बेचारे शाहरुख की वजह से आ गए होंगे, तो जो थोड़े लोग देखने आए थे उसके बाद उन लड़कियों ने उनका मन जीत लिया। और इसलिए नहीं जीता था कि वो मोटी थी या छोटी थी या काली थी या गोरी थी या हीरोइन थी या डांस कर रही थी, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं कर रही थी, वो प्रोफेशनल एथलीट थी और वो अपना काम कर रही थी। एंड उन्होंने फिर उन्हीं लोगों का मन जीत लिया जो जिन्होंने पहले थिएटर से उनका ट्रेलर बाहर निकलवा दिया था वोट कर करके। और फिर एक साल तक जो हमारी एक्ट्रेसेस थी उनको हमसे बात करने की फुर्सत नहीं थी, वो जा जा के इतने इवेंट्स में जाती रहती थी। तो ये भी सच्चाई है कि मैंने देखा है कि कई बार ये होता है कि बहुत धारणाएं भी हैं ऑडियंस के मन में भी है, फिल्म इंडस्ट्री के मन में भी है कि ये नहीं एक्सेप्ट होगा, स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं एक्सेप्ट होगी, रोती हुई एक्सेप्ट होगी, हंसती हुई एक्सेप्ट होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर आप लिखते टाइम अगर आपको अपने कैरेक्टर से प्यार है, आपके मन में एम्पैथी है अपने कैरेक्टर के लिए, एम्पैथी जिसको कहते हैं योर पेन इन माई हार्ट, तो एज ऑन अ ह्यूमन बींग लेवल एज ए इंसान कोई भी एक्सेप्ट होता है अगर आपने ढंग से किया है। मुझे कई बार लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हवा बनाते हैं खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कि ये नहीं चलता वो नहीं चलता। हम ये ठीक है कि ऑडियंस पहले दिन चकते देखने नहीं आई क्योंकि उनको लगता है तुम ना कुछ नया मत करो, तुम नाच गाने ही करो, पता नहीं कैसा करोगे, वो हमने अपना ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ है, हमारी गलती है। लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो ऑडियंस चार कदम आगे बढ़ के हमसे मिलती भी है, एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेट थिंग जो इस सब्जेक्ट पर भी अप्लाई होती है। फिल्म चलना ना चलना के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है कि इनफैक्ट फॉर ऑल थ्री ऑफ यू, सम चकते, पिंक, पीकू ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेल कास्ट, आई लाइक सम ऑनेस्ट आंसर्स। इज पिंक द सेम फिल्म विदाउट अमिताभ बच्चन, रितेश? Would a lesser star cast in that character, do you think the film would have still traveled as much? Or why did you need to think of such a big superstar to cast in? If the film is really about those three women and the issue was gender and all of that, why did the film require such a big male star cast presence? See, when the picture was written, then it wasn't written by thinking. It wasn't known that they were going to do it. जनरली ये आइडिया था कि फ्रिंजेस पे एक और कैरेक्टर है जो एक लॉयर है, उसके अपने इश्यूज हैं, वो मेंटल हेल्थ बैटल कर रहा है, उसकी बीवी बीमार है, मरने वाली है, तो मतलब दो लोगों का घोंसला टूटा हुआ मिलके एक घर बनाने वाली कहानी थी, ये दिमाग में नहीं था कि वो करेंगे। वो कोई लॉयर लड़की भी हो सकती थी, बट ऐसा कोई जब लिखते वक्त हम शुरू से ही अपने आप को प्रॉम्प्ट नहीं करते हैं कि नहीं मेल लॉयर रखेंगे तो गाली पड़ेगी, फीमेल रखेंगे तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा आप सोचते नहीं, क्योंकि आप एक जैसे वो नेबरहुड जो था उसमें मैं रहता था 11वीं 12वीं में, सामने एक हाईकोर्ट का वकील रहता था, वो एक बूढ़ा सरदार था, तो आप कुछ चीज़ों को मिक्स करके रियल लोगों से रहते हो उस टाइम, आप वो बातें नहीं सोचते। बट बाद में पिक्चर चलने के बाद जब आप देखते हो, उसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो मुझे लगता है कि चूँकि बच्चन साहब थे तो एक रीच उसकी बड़ी है, डेफिनेटली उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिस किस्म की बातें वो करते थे उसके लिए खास किस्म का आदमी चाहिए आपको, क्योंकि लाइन मतलब लिखते वक्त भी बहुत डेंजर है और किसी के मुंह से जब वो शब्द निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं वो भी बड़ा डेंजर है। तो जब मैं उनको पढ़ के सुना रहा था या जब वो रीडिंग्स करते थे, कम से कम मुझे इस बात की राहत थी कि एक एसोसिएशन है उनके साथ, दूसरा वो कैसे किसी चीज़ को बोलते हैं वो हेल्प कर गया फिल्म को। हो सकता है जो विजिबली उस चीज़ से एम्पथाइज ना करता हो या जो समझता नहीं हो कि उसमें एक बारीकी है,
वो उसका लकीर के उस तरह पैर पड़ सकता था, कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो सिर्फ उनका नहीं, आप देखिए आई थिंक पूरी कास्ट का ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। कुछ चीज़ें हैं आप फेक नहीं कर सकते, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, डायरेक्टर हो, जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं, अगर कहीं ना कहीं उनका एग्रीमेंट नहीं है उन बातों के साथ तो वो फेक हो जाएगा। जैसे मतलब हमको जानबूझ के वेमेन सेंट्रिक फिल्में तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए कोई कैरेक्टर है तो आप कीजिए और तभी वो चलेगा। तो आप टेलर मेड मतलब जैसे वो सांप वाली एक पिक्चर चल जाती थी तो 50 नागिन बन जाती थी, वो भी खतरा है बट वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जेन्युइनली आपके पास कहानी है, चाहे उसमें लॉयर मर्द है, औरत है, अमिताभ बच्चन है, रणबीर कपूर है, शाहरुख खान है, खुले दिल से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जितना ज़्यादा उसका रीच होगा वो बेटर है मेरे ख्याल से कम थीम तो कनेक्ट करता है। Jyoti, I'd like to ask you के when I started writing and I've actually studied writing and I've seen this with my peers, with subsequently with my juniors, के हम अपने gender बेहतर लिखते थे। तो मेरे class में सारे लड़कियाँ लड़की वाले characters काफ़ी सही लिख पाते थे और हमारे hero characters सब बहुत ख़राब लिखते थे, ना two dimensional characters होता था, अच्छा नहीं होता था। आप लोग अभी सभी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड राइटर्स हैं, अभी का अभी यू वुडन फेस दिस प्रॉब्लम, बट आई लाइक यू टू लुक बैक एंड टॉक अबाउट जब आप इनिशियली लिखना चालू किए थे, वॉज दैट एवर अ चैलेंज राइटिंग क्रेडिबल वुमन कैरेक्टर्स, गेटिंग इनसाइड अ वुमन्स हेड, हाउ डिड यू गो अबाउट इट इन से योर अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर? आई थिंक शुरू में भी जैसे मैं फिल्म में 15 साल पहले शुरू हुआ था, लिखने में या खुद सोचने में जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आपके अपने कैरेक्टर हैं, आपकी अपनी स्टोरी है, तो वही आपका घरवार है, वही आपकी फैमिली है जब आप लिख रहे हैं। और अगर आप दिल से लिख रहे हैं तो इतना ज़्यादा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये आदमी है या औरत है या क्या है। लड़कियाँ भी तो मतलब हम ही तो होती है, मतलब कहीं मतलब मार्स से थोड़ी आई, तो इतना लगा नहीं। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में शुरू शुरू के पीरियड में दूसरे लोगों के रिएक्शन बहुत मज़ेदार होते थे, जो ओवरऑल भी होते थे। जैसे शुरू में मैं डायलॉग लिखते, मेरे डायलॉग देख के लोग बोला करते थे तुम कुछ भी कर लो डायलॉग मत लिखना, तुम्हें डायलॉग लिखने नहीं आते, क्योंकि फिल्मों में एक पर्टिकुलर टाइप की भाषा यूज़ करी जाती थी और वही घुमा फिरा के वही डायलॉग यूज़ करे जाते थे क्योंकि उसमें एक सेफ्टी थी। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो जैसे आसपास के लोग होते थे मैं वैसे लिखता था, क्योंकि मैं लोगों पे लिख रहा था, मैं फिल्मी लोगों पे अगर स्टोरी लिखता तो मैं उनकी लैंग्वेज लिख लेता। तो विमेन कैरेक्टर्स में जैसे कि बाकी कैरेक्टर्स में भी ये ज़रूर होता था कि ऐसे थोड़ी ना कोई लड़की बोलती है, और फिर सबको बोलना पड़ता था कि एक अंधेरी के अपने फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलो, सारी लड़कियाँ ऐसे ही बोलती हैं, सिर्फ फिल्मों में जैसे तुम सोचते हो वैसे बोलती हैं। तो इतना फिल्म इंडस्ट्री में रेजिस्टेंस था शुरू शुरू में, बिकॉज उनके मन में था कि लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये एक्सेप्ट होता है, ये नहीं एक्सेप्ट होता है, एक माँ माँ होती है, माँ ड्रिंक नहीं पी सकती फॉर एग्जांपल, या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, बीवी बीवी होती है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, रेजिस्टेंस आती थी। लेकिन आई थिंक ये हम सब राइटर्स ने देखा है, हम अंदर से तो फिल्म वाले लोग नहीं, अंदर से हम स्टोरी टेलर हैं। अब एक पाइपलाइन है जिसका नाम है शो बिजनेस, उसमें से गुजार के हमें अपने कैरेक्टर आप लोगों तक पहुंचाने हैं, तो उसमें जितना बीच बीच में टीडीएस कटता है कटता है, कई बार कटवा लेते हैं, कई बार हम जीत जाते हैं, कई बार वो जीत जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। Right, and a lot of the films that now feature female protagonists in the recent past, say Queen, Mary Kom, etc. Do you think these are largely multiplex films? Like, ज़्यादातर शहर, क्या बोलते हैं, town A, B, शहरों में ये फिल्में ज़्यादा चलती हैं, rural sectors में क्या ऐसे films के connect ज़्यादा हो पाता है? What is your take on it? मल्टीप्लेक्स क्या है, मतलब एक जगह जहाँ पे चार पांच छः स्क्रीन्स हैं, और बड़े शहरों में उन स्क्रीन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक ही छत के नीचे
एक समय में 5 पिक्चरें चल सकती हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कितने ज़्यादा ऑडियंस उस पिक्चर को आगे देख सकती है. आई थिंक मेरे हिसाब से मल्टीप्लेक्स वर्ड और ये जो उसका जो मतलब द रीज़न वाई इट्स देयर, इट्स मेनली फाइनेंशियल. वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस क्या है, वो जिसके पास वो पेइंग कैपेसिटी है कि वो महीने में एक बार 1,000 रुपये की आउटिंग कर सकता है, ये वो ऑडियंस है. Yes, it happens that it's more in probably big towns. Lekin B towns, C towns, they all have PVRs. B towns, all the B towns have PVRs now. Correct? So are we saying that wo audience evolved nahi hai? Ya single screen audience evolved nahi hai? Nahi, pehle to single screens hi thi. Aur bahut achhi filmein bani aur bahut zyada chali. So to matlab ye ek label laga dena ki ye multiplex film hai ya female protagonist hai to multiplexes mein hi chalegi. ऐसे मतलब दिस इज़ आई थिंक जनरली उसको साइडलाइन करने एक मतलब शैलो लेवल पे डील करने वाली बात हुई है. और चाहे वो पीकू हो, चाहे मैरी कॉम हो, चाहे वो क्वीन हो, नाउ अगेन रूरल ऑडियंस क्या है, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं वो माइंडसेट ही अलग है, वो दुनिया ही अलग है. वो ना रूरल कैटेगरी में आता है ना एलीट कैटेगरी में, पता नहीं, वो एक अलग है, उनका सोच अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनके जिस जिस माहौल में वो पले बढ़ रहे हैं वो लोग, उनके उनका वो सब कुछ बहुत डिफरेंट है वो सेटअप. अगर आप राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा ऐसी जगहों में बात करें, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इंडिया. आर दे रूरल ओर दे आर नॉट रियली रूरल? बराबर है. देखा तो बंदा, व्हेन माय ड्राइवर गोज एंड सीज पीकू, उसको भी वो उतनी ही टच करती है. कोई भी इंसान जो अपना घर चलाने लायक है, जो दो वक्त की रोटी कमाता है, जिसकी बीवी है, जिसके दो बच्चे हैं, उस आदमी के अंदर इतनी समझ है कि आप उसको चाहे मैरी कॉम दिखाएं, चाहे आप पीकू दिखाएं, चाहे क्वीन दिखाएं, वो आपकी वो जो आप बात कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ जाएगा. अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो आपसे पहले समझेगा कि आप ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसको दुनियादारी की समझ है, जो प्रॉबेबली इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को नहीं है. हम एक खोपचे में बैठ के सोचते हैं हमें इंडिया पसंद है, इंडिया पता है, पर शायद हमें नहीं पता है. हमने उतनी हार्डशिप्स नहीं देखी हैं शायद जितनी उस ड्राइवर ने देखी हैं या उस काम करने वाली ने देखी है. तो आप उनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं. तो आप कोई भी सब्जेक्ट की फिल्म बनाएं, अगर उस आदमी में बेसिक घर चलाने की समझ है तो वो आपकी फिल्म को समझने की क्षमता रखता है पूरी तरह से. उसको इग्नोर कर देना, उसको कह देना अरे इसको नहीं समझ में आएगी, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी मेरे ख्याल से. But I'm not coming from so much of looking down upon a section of audience. I'm talking about are the same issues relevant across basically socioeconomic divides. Piku, totally relatable character hai mere liye, right? Main shahar mein pali hoon, mere bhi baap ki umar ho gaye hai, right? But ye jo milieu aap pakde ho, ये काफ़ी रिलेटेबल है आई फील फॉर मोर ऑफ सिटी पीपल. दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई डोंट नो रूरल इंडिया. या नहीं, क्या है कि रूरल इंडिया में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है. और उनके भी फादर मदर इस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ उन्हें परेशानियाँ होती है. इनके इनफैक्ट उनको तो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो शादी करके बेचारी लड़कियाँ दूसरे घर भेज देंगी, उनको उनको तो इतना हक भी नहीं है कि वो पलट के आके देख के आए अपने पेरेंट्स को. तो उनको उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उनका माहौल ही है. हमें नया लग रहा है लेकिन उनका तो ये माहौल है. मैरी कॉम उन्हीं में से एक निकली और जो वहाँ पहुँच गई. वी आर सिटिंग इन टाउन एंड क्लैपिंग बिग सिटीज एंड क्लैपिंग फॉर हर, शी इज़ अटेंडिंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट वो जितना उनको इंस्पायर करती है, जितनी उनके अंदर एस्पिरेशन है, हमारे अंदर शायद नहीं है. तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मेल्यू अगेन, इफ़ इट इज़ ट्रू एंड ऑनेस्ट, इट विल वर्क. और किसको कौन सी बात फिल्म की अच्छी लग जाए. मैरी कॉम में येस, मैरी कॉम सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको बहुत सपोर्ट करा. हो सकता है किसी को वो बात पसंद आ जाए. और उसका शहर से और गांव से कोई लेना देना नहीं है, मैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. पीकू में शायद वो घर बिकने वाली बात वो किसी को समझ में आ जाए. तो फिल्म का किस बात का किस पे असर पड़ता है, वी डोंट नो. एंड देयरफॉर आई फील दैट इट्स नथिंग टू डू विद, इट्स नॉट अबाउट लुकिंग डाउन, बट वी शुड नॉट सेग्रीगेट. वी शुड नॉट
इमेजिन कि उसकी आईक्यू इस बात को समझने लायक नहीं है क्योंकि वो इस माहौल का नहीं है, वो इस माहौल से कुछ अपने लायक निकाल ही लेगा. और ये हमारी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना ज़्यादा इंक्लूसिव काम करेंगे उतना ही अच्छा है सबके लिए, उतनी हमारी ऑडियंस बढ़ेगी और उतना ही कॉन्टेंट की रीच होगी. तो हम भी अगर मतलब अपने कुकमंडू की तरह बैंड्रा में, पी वी आर में, फिनिक्स में चलाते रहेंगे फिल्म तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का. I have a question for both of you. You take turns to answer. Okay, both in Pink and in Chakde, you in fact have more than one woman characters, right? A thoda ensemble type. Chakde mein toh kitne hai Jaideep in the team? Eight. Victor Pushi Jo. Victor Volkar, Chandra. So, how did you share with us a little bit about your writing process? Jab aap ek heroine nahi, aap teen character develop kar rahe ho and you had such a big cast. Share some of your process. How were you looking at creating them as individual people and not just generic? ये सारे आजकल लड़कियाँ हैं. ऐसा तो नहीं लगता है ना. Everybody is a specific kind of character, a specific individual. So if you could share your processes about character, about creating multiple. नहीं वो largely तो वही है ना कि मतलब writer तो बड़ा आलसी आदमी होता है. कुछ काम करके तो नाता नहीं है. जिनसे जान पहचान है, जिनके बीच में पले बड़े हैं, जिनको देखते हैं, कभी एक ही किरदार को सीधा उठा लेते हैं, कभी दो तीन लड़कियों, जैसे फलक का कैरेक्टर जो पिंक में था, अब ऐसी बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो ऐसी सिचुएशन में है. तो वो रिप्रेजेंटेटिव है एक ऐसी कामकाजी महिला जिसके एक पिक्यूलियर फैमिली सिचुएशन है, एक पिक्यूलियर रिलेशनशिप स्टेटस है. फिर जैसे आंद्रिया का जो कैरेक्टर है, अगेन जो हमारे दोस्त पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में या बाहर जब हम लोग रेंट करके रहते थे, तो जिस किस्म के हमारे पड़ोसी थे या जिनसे जान पहचान थी, तो आंद्रिया का वो बैकग्राउंड है. कहीं ना कहीं मिनल के कैरेक्टर में मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत बार बार लिखा गया, उस कैरेक्टर में शायद एक ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म हीरोइन कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि पहले कुछ और था, फिर कुछ और हो गया, चूँकि वो प्रोटैगनिस्ट भी है एक तरीके से, चूँकि वो तो वहाँ पे मुझे लगता है कि फिर भी उसमें कहीं ना कहीं एक फिक्शनल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि स्ट्रेट अवे मुझे कोई ऐसी लड़की याद नहीं आती. किसी का टेम्पर याद आता है, किसी का एटीट्यूड याद आता है, बट स्ट्रेट अवे ऐसी नहीं है. बट बाकी दो तो मैंने आपको साफ ही बता दिया कि इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन पीपल यू नो. और जैसे जयदीप ने कहा कि हम लोग भी कहीं मतलब स्पेस से तो आए नहीं हैं. एवर सिंस चाइल्डहुड अगर आपका नसीब अच्छा है तो आप लड़कियों के बीच में बड़े होंगे, स्कूल में उनसे दोस्ती होगी, कोलीग्स भी बनेंगे, आपके टीचर्स भी रहे होंगे, आपके स्टूडेंट बन जाएंगे, तो उन्हीं से आता है. आई थिंक ज़्यादातर तो यही सेम ही चीज़ है. मैं जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे बंटी और बबली में मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वो उसको किसी लड़के से प्यार हो गया, वो जूनियर थी हमसे, तो वो पेरेंट्स ने, उसके ब्रदर ने उसको ज़बरदस्ती फिजिकली रोकने की कोशिश की, उनको पीट के वो लड़के के साथ भाग गई. फिर उसके बाद भाग गई, शादी कर ली. फिर लड़के की मदर ने और लड़के की फैमिली ने उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, तो फिर उनको पीट कर वापस अपने घर आ गए. बिकॉज वो, और मैं उसको जानता, वो ऐसी कैरेक्टर है जिसको इररिप्रेसिबल कहते हैं ना. वो कुछ गलत तो नहीं किया उसने, वो ये कि वो दबने को नाजायज तरीके से दबने को तैयार नहीं है. और उससे मिलो तो उसकी स्माइल वैसी की वैसी और सेंस ऑफ ह्यूमर वैसा का वैसा. वो ऐसे अपने सर पे कोई दुखों की पोटली लेकर नहीं घूमती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में. तो कुछ हद तक ये था. शुद्ध देसी रोमांस में फॉर एग्जांपल जिन्होंने देखी है, परिधि ने कैरेक्टर प्ले किया था गायत्री. अब खासतौर पे पिछले काफ़ी सालों में ज़्यादा ज़्यादा लड़के लड़कियां अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में जा, कोई आईटी में जा रहा है, कोई बीपीओ में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और अपने पेरेंट्स से दूसरे दूसरे शहर में जाकर रहते हैं. वीकेंड को पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, अब टॉक टाइम सस्ता हो गया तो हर दो दिन में कर लेते हैं, किराए पे रहते हैं, दो लड़के दो तीन लड़कियां मिलके रहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद बना रहे हैं.
और ये शायद पहली जनरेशन है जो इतने बड़े स्केल पे ये कर रही है, तो वो अब लाइफ डिस्कवर कर रहे हैं। अब लाइफ डिस्कवर करने में गोलगप्पे खाना भी होता है और सिगरेट पीना भी होता है, लड़कों से मिलना भी होता है और अपने टैक्सेस कैसे पे करने हैं ये भी होता है, कैसे ऑटो वाले से डील करना है ये भी होता है, कैसे मकान मालिक से डील करना है ये भी होता है। तो मेरे मन में जो सेल्फ सफिशिएंट होने का एक यंग पर्सन का प्रोसेस होता है लड़कियों का, वो ऐसा ही होता है। आप लड़कों से भी मिलते हैं, आपकी रिलेशनशिप भी होती है, और क्यों ना हो आप एडल्ट हो, तो जैसे आप सारी दुनिया डिस्कवर कर रहे हो, कई बार गिरते हो, पड़ते हो, घुटने चलते हैं, उससे सीखते हो और फिर समझते हो कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, प्रोफेशन में भी, पर्सनल लाइफ में भी। तो मुझे एक वो हमेशा से बहुत ऑनरेबल लिविंग लगती थी, बजाय कि आप जब 10th में हो तो आपको पता है आपने 12th में कौन सा सब्जेक्ट करना है, आप 12th में हो तो आपको पता है आपने उसमें मास्टर्स में क्या करना है, इतनी इतनी उम्र में मैं ये साड़ियाँ पहनने लग जाऊँगी, इतनी इतनी उम्र में मेरा ये हो जाएगा, इतनी उम्र में लड़के देखने आ जाएंगे, इतनी उम्र में शादी हो जाएगी, इतनी उम्र में बच्चे हो जाएंगे, इतनी उम्र में बच्चों की भी शादी हो जाएगी, इतनी उम्र में मर जाऊँगी, खेल खत्म। वो मुझे कहीं थोड़ा सा वेस्ट ऑफ लाइफ लगता है आज के ज़माने में। ऐसे नहीं है, वैसे फैमिली पालना, बड़ा करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप में। तो मेरे को लगता है ये जो नई जनरेशन बाहर आ रही थी, इसको कोई देखता नहीं है कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लड़की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इंस्ट्रक्टर है, जैसे रैपिडेक्स है, और पार्ट टाइम किराए की बाराती है, जो दो जॉब करके अपना घर चला रहा है, वो ऑनरेबल पर्सन हुआ ना। तो मेरे को बहुत एडमिरेबल लगा कैरेक्टर, इसलिए मैंने लिखा, इसलिए मेरे दिल के करीब है। बाकी चकदे में मैंने काफ़ी टाइम एक्चुअल वुमेन्स हॉकी टीम के साथ स्पेंड किया था, तो काफ़ी हद तक तो उनसे ही इंस्पायर्ड है। और फिर चकदे जैसी फिल्म में क्या होता है, जब इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो थोड़ी मैथमेटिकली भारी पड़ जाता है, लेकिन आपको उतनी चीज़ें कहने के मौके भी मिल जाते हैं। तो अगर आप वो ठीक से मैनेज कर लो तो आप बहुत चीज़ें कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट की लड़की को एक तरह से क्यों देखता है, मौका है टैकल कर लो। साउथ इंडिया में तमिल और तेलुगु को सब दोनों को मद्रासी क्यों कहते हैं, मौका है टैकल कर लो। तो ऐसे बहुत, या अब ये लड़की खेल रही है, अब इसके फादर इन लॉ को तकलीफ है कि बहू खेलती क्यों है, मौका है टैकल कर लो। तो वो एक एक कैरेक्टर को जो उसकी एज प्लेयर जो था वो तो था, टीम में जिस पोजीशन पे खेलती थी उसके अपने इश्यूज थे टीम में, वो प्रोफेशनल लाइफ थी। लेकिन पर्सनल लाइफ में एक लड़की है, वो हॉकी खेलती है, उसका बॉयफ्रेंड बड़ा क्रिकेटर है, तो वो सोचता है तू गुल्ली डंडा खेलती है, तूने क्या करना है, छोड़, शादी कर ले और अपना असली काम कर, घर चलाने का। तो उसमें इतने मौके थे, वो करने का मौका मिल गया। लेकिन सच बोलूँ तो चकदे में जो था असली के विमेन एथलीट से था, शिमित, मैं, हम उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, असली प्रोडक्ट वो है, हम झूठ मूठ का क्रेडिट लेते हैं, जो है वो है, सब कुछ उनका है और सब कुछ उनसे है और सब कुछ उनके लिए। Julie, as a woman professional yourself in the film industry, do you think the Hindi film industry is sexist? Jo pila council par padi hai. Actually, Hindi film industry ko baar baar patthar maarne ki koi zarurat nahi hai, kyunki duniya hi aisi hai. Aapko lagta hai, matlab see what happened in US. Ha. Correct. बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैं जब लोगों से मिलती हूँ, मैं एज अ राइटर मिलती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ सोचती नहीं हूँ अपने बारे में कि मैं औरत की तरह मिलने जा रही हूँ, वो एक आदमी है और इस कमरे में एक और आदमी है या एक और औरत है, मेरे दिमाग में वो आता ही नहीं, कुछ बराबर है, वो इशू ही नहीं होता है। शुरू में ऐसा हुआ कि विकी डोनर के बाद कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से मैं मिली जिनको लगा कि ये लड़की इस तरह का दिमाग है या ऐसा सोचती है, स्पर्म के बारे में सोचती, तो ये तो कुछ और भी कर सकती है, कुछ और भी लिख पाएगी। वो एक दो मीटिंग्स मैंने अटेंड करी और मुझे उनको मुंह पे जवाब दे के आना पड़ा था,
एंड आई डोंट थिंक दिल एवर वर्क विद मी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. क्या होता है कई बार मीटिंग्स में जाओ तो लोगों को भी आदत नहीं है कि सामने लड़की बैठ के आपसे आर्ग्यू कर रही है, तो वो आपकी तरफ देख के बात ही नहीं करेंगे. वो आपके साथ जो जना बैठा हुआ है, जो आदमी है, उसको देख के बात करेंगे. बात डिस्कशन मुझसे चल रहा है, डिबेट मुझसे चल रही है, पर शक्ल उसकी तरफ है. और ये मैं उनका नाम नहीं ले सकती उन लोगों का, लेकिन यू नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इवन फॉर मेन टू अंडरस्टैंड कि अब औरतें चारों तरफ हैं. उन्हें भी नहीं मालूम वो कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को. जब विकी डोनर का आइडिया शुजीत से डिस्कस करना था, एक बार को थॉट आया कि बताऊं या नहीं बताऊं. ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होता है, वो ये सोचता है कि क्या बकवास सोचती हो, आगे से मुझे फ़ोन मत करना. थैंक गॉड मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन मिलाया, लेकिन वो थोड़े दिन देर वॉज अ हेजिटेशन. ही डिडंट नो हाउ टू अप्रोच मी बिकॉज प्रॉब्ली ही हैड नॉट डिस्कस्ड ऐसा इशू किसी पर्सन के साथ, किसी लड़की के साथ. तो आई हैड टू ब्रेक दैट लिटिल बैरियर. थोड़ा सा मुझे अपना यू नो डिमीनर थोड़ा चेंज करना पड़ा, ऊट पटांग के जोक्स क्रैक करने पड़े थोड़ा सा, कि मैं भी भाई बॉय गैंग हूँ, लड़की टिपिकल नहीं हूँ, तो मुझसे कुछ भी कर सकते हो, गाली गलौज जो भी बोलना है. जैसे तुम लड़कों से बात करते हो वैसे ही मुझसे बात कर सकते हो. आई विल नॉट गेट ऑफेंडेड बिकॉज आई एम नॉट अप्रोचिंग यू एज अ वुमन, आई एम अप्रोचिंग यू एज अ माइंड, दैट्स इट. और मुझे तुम्हारे दिमाग से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं. तो वो अप्रोच ही फ़र्क है. तो बाकी एक्ट्रेसेस दे हैव अ टफ लाइफ एंड दे रियली डू, मतलब नॉट जस्ट विद इन इंडस्ट्री, आउटसाइड इंडस्ट्री. सड़क पे नहीं चल सकती हैं, क्या पहन रही हैं, मोटी हो रही हैं, पतली हो रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, किसके साथ, मतलब बहुत ही छीछा लेदर हो जाती है वो. किसी की भी हो जाएगी, किसी लड़की के आप पीछे पड़ जाओ हाथ धोके, यू नो इट इज़ लाइक दैट. वी आर सो क्रिटिकल. Look at the newspapers. Har jagah, matlab when you read about, you know, actresses, the kind of things that are being written. Why? Fortunately, you have women like Deepika, you have women like Priyanka, you have women like Kangana who speak their mind. Unko jo man mein aata hai, jo muh pe aata hai, wo bolte hain aur bahut confidence se bolti hain. To kuch had tak media peeche ja raha hai. But wo jitne zyada aur aayenge waise log bahar bolne wale, utna hi ye jo ek यू नो एक सेट वो है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है. कुछ हद तक मिथ भी है. आई एम श्योर पुराने 80s में 90s में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. मैं फिल्म इंडस्ट्री आना ही नहीं चाहती थी. 2012 के बाद से क्या है मैं खाली उस पर कॉमेंट कर सकती हूँ. एंड फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम में हूँ इंडस्ट्री में जहाँ पे एक कॉन्शियस एफर्ट है. जेंडर बायस है, पेज में डिफरेंस है, वो सब जगह है. उसके लिए खाली इंडस्ट्री को पिन पॉइंट नहीं करा जा सकता है, हर जगह में. आई एम गोइंग टू शूट काइंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, या एन इजी वन. टेल मी, ईच ऑफ यू टेल मी वन ऑफ योर फेवरेट फीमेल कैरेक्टर्स, फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स फ्रॉम फिल्म्स. इट विल बी नाइस इफ यू डोंट साइट योर ओन कैरेक्टर्स. अपने फिल्मों के कैरेक्टर का नाम मत बोलो प्लीज. जनरली लाइक बचपन में देखे हो या एक कोई कैरेक्टर जो बिल्कुल याद रहे. ये कहाँ सिंपल है, ये तो बड़ा मुश्किल है. क्यों अपने छोड़ के किसी और के फिल्म नहीं देखते हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पसंद बहुत मुश्किल है. मेमोरेबल कैरेक्टर, लाइक अ मेमोरेबल वुमन कैरेक्टर, डजंट नीड टू बी अ फीमेल. पहले बाकी सबसे पूछ लो, मैं सोचता हूँ. मुझे मासूम में शबाना जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा. एकदम थप्पड़ करारा वाला उन्होंने मारा सोसाइटी पे और अपने हस्बैंड पे, इसलिए नहीं. लेकिन उसमें क्या है कि शी नेवर बिकेम द विक्टिम, शी एक्सेप्टेड इन हर ओन वे. अगर मतलब अगर वाइफ होने की वजह से वो पिघलती तो वो चीटिंग हो जाती. जो एंड था वो मदर का हार्ट पिघला, इसलिए वो एक्सेप्टेंस हो गई एंड फिल्म एंडेड इन अ हैप्पी एंडिंग. लेकिन अगर वो वाइफ होने की वजह से पिघलती तो यू नो दैट वाज द रीज़न फॉर मी दैट कैरेक्टर वर्क. उनके अंदर एक जो एरोगेंस है, एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है. शी वॉजंट अ पुअर मी, शी वॉज मतलब उसमें जो डी के, आई थिंक हिज नेम इज़ डी के,
he was so nervous. You know, he wasn't wo jo nervousness aa rahi thi, agar aap us couple ki chemistry ko aap samjhe, to uski wife ne itne saalon mein is tarah ki relationship establish kar li hogi ki at that juncture in their life he was shitting bricks. Aisa nahi tha ki haan main nikal liya kya kar logi, itni uski himmat nahi thi. Aur wo kaam usne uski wife ne I think bahut hi strongly apna place aur us ghar mein karke rakhi, wo ghar tootne nahi diya as a mother. Agar as a wife nahi tootne diya hota to wo bahut kamzor pad jati, wo typical aurat abla nari ho jati. To mujhe Shabana ji ka character was I think very very strong. याद आ गया मुझे, तो रीसेंट है शायद इसलिए बोल रहा हूँ, बट उसकी वजह यह भी कि दिल्ली में एटलीस्ट मैं ऐसी 15-20 लड़कियों को जानता था, उन बेचारियों की ट्रेजेडी ये हो कि शादी में लड़का आ गया. तो आई थिंक क्वीन में जो कंगना का जो कैरेक्टर है, आई कैन डिस्टिंक्टली मुझे याद है कि 25 मिनट के बाद मैंने वो पिक्चर देखी ही नहीं है, मैंने झूठ बोला है कि बहुत अच्छी थी, क्योंकि 25 मिनट के बाद मैं स्कूल के बारे में ही सोच रहा था कि जो रजनीति राजेंद्र नगर की उसका क्या हुआ, फिर तो मुझे फलाना जगह मिल गई थी. ट्रेजेडी ये थी कि उनके सब के पति आ गए थे, बहुत अच्छी लड़कियां थी, मतलब नहीं आते तो मतलब वो बहुत कुछ अच्छा कर जाती. मेरे को एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे नर्वसनेस के मारे कोई फिल्म कैरेक्टर याद नहीं आ रहे, लेकिन दो हैं जो बचपन से मैं कभी मिला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले मर गई थी दोनों, किसी फिल्म में भी शायद नहीं आई, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने उनकी एक इमेज बचपन से बनाई हुई है जो बहुत पावरफुल है. एक मैडम मेरी क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी इन्वेंट करी थी, और बचपन से हमेशा ये पढ़ा था कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मिल के करी थी, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि इसको कहते हैं पार्टनर कहीं से ऐसे. एक लेडी एडा थी, एक लॉर्ड बायरन हुआ करता था इंग्लिश पोएट, उसकी नीस थी शी, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ शायद इसलिए, शी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर. उसने प्रोग्रामिंग तब करनी शुरू की थी जब किसी को पता भी नहीं था कंप्यूटर नाम की चीज़ इन्वेंट भी होगी. उसने इमेजिन किया था एक मशीन होगी, वो इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करेगी और वो उसकी प्रोग्रामिंग बैठ के करती थी, तो वो मेरे दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ है. तो ये दो समा बचपन से मेरी बहुत बड़ी हीरो रही हैं, बिना मिले बिना देखे जैसे भी. क्या बोल रहे, याद ही नहीं आ रहा है, आई एम टू नर्वस, डेडलाइन में कुछ नहीं होता राइटर हूँ. कमेंट करने की अगर इजाजत हो तो करना चाहूंगा और एक सवाल पूछूंगा. पुवाली बहुत ही एम्पथी और इंटेलिजेंस के साथ शायद ही हमने देखा है कि कोई मॉडरेटर अपने अपनी पर्सनालिटी को अपने ख्यालात को अलग रखते हुए दूसरों को ये पूछ रही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो हमने जो ड्यूटी जो डाली थी वो ये था कि तुम अपने विचार भी पेश करोगे, तो मैं चाहूँगा कि भैया सवाल पहले आपसे भी मैं पूछूँ और वो पेश किया जाए. दूसरा ये कॉमेंट था कि ये विक्टिम जो अपन बात करते हैं जूही, अब प्रोटैगनिस्ट होता है नेसेसरीली जो मोटिवेशन जो आता है बिकॉज कोई तकलीफ हो जाती है, चाहे वो रिवेंज ड्रामा हो चाहे कुछ भी हो. फर्क इसमें ये आता था पुराने ज़माने में एटलीस्ट, खास करके 2000 से पहले, कि औरत की विक्टिम होती थी लेकिन मर्द आता था उसको बचाने के लिए. अगर औरत खुद स्वरूप अगर वार करती थी या अपना बदला लेती थी, जैसे कि कुंदरी मांग हो या चाहे मदर इंडिया हो चाहे बंदिनी हो, जो अपना खुद चुनती है वो, तो देन इट बिकम्स अ वेरी वैलिड थिंग. उसके अंदर विक्टिम का कोई वो नहीं है. तो संजीव कुमार भी तो विक्टिम था ही ना शोले में, लेकिन वो दोनों भी विक्टिम थे, उसकी बीवी को उठा के ले जाता था. सर आई मेंट इट लाइक दैट ओनली, कि विक्टिम स्टोरी ऐसी नहीं कि मतलब मैं विक्टिम हूँ बेचारी हूँ अब कोई आए मेरा उद्धार करे. हाँ, तो वो आई फेल्ट वो डिस्टिंक्शन थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि हमारा ये हुआ था दे वुड बिकम द फॉइल, दे वुड बिकम द मोटिवेशन वेयर द फॉर द हीरो टू एक्ट. करेक्ट करेक्ट. वाली
ये सवाल जो तुमने इन लोगों की तरफ जो फेंके हैं, ओके, दो सवाल तुम्हारी तरफ मैं फेंकूंगा और चाहूंगा तुम इसका प्लीज विस्तार से और ईमानदारी से जवाब दो। अगर ईमानदारी से तुम दोगी क्योंकि तुम्हारे को और कुछ आता भी तो नहीं है, ओके, तुम केवल ईमानदारी जानती हो, ओके। एक तो ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सारे ये जो 100 साल गुजरे हैं हिंदी सिनेमा के, उसके अंदर से तुम्हारे हिसाब से मेमोरेबल वुमन कैरेक्टर कौन था? अपने न्यूनस तरीके से तुम जवाब दो और उसका मेरे को एक एक्सप्लेनेशन दो क्यों तुम ये कहती हो, उसके अंदर क्या था, सोचा तो होगा तुमने। और तुम अपने अगर किरदार के बारे में बात करते हो मुझे कोई हर्ज नहीं है, इसके अंदर कोई गिला नहीं है। तो ये एक सवाल का तुम जवाब दो, उसके बाद एक आधा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, प्लीज। मैं तो कोई विमेन कैरेक्टर्स अच्छे से लिखी नहीं हूँ, मेरे 2-3 फिल्मों में अभी 4-5-6-7-8-9-10-11 मेल कैरेक्टर्स है मेरा। इंटरप्ट करूंगा, उन्होंने बात की इंदु की, मासूम का, हालांकि इन सम सेंस यू कैन इंटरप्रेट हर एज अ मेल। तुमने जो लिखा था कैरेक्टर अर्जुन रामपाल की बीवी, हां, पहले रॉक ऑन में जो की बीवी जो थी उसका नाम मैं भूल रहा हूं, कैरेक्टर देवी, वो बिल्कुल माय गॉड अभी तक याद है। इनफैक्ट मुझे तो वो चार मर्दों को छोड़ दो वो कैरेक्टर ज्यादा याद है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, उसके बारे में बताओ। शी हैड एन इंडिपेंडेंस अबाउट हर। मैं अपना फेवरेट कैरेक्टर पहले बता। हां बोल बोल। एक्चुअली कैरेक्टर नहीं है, फिल्म है, पूरा फिल्म है। आई थिंक मंडी इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स डीलिंग विद विमेन कैरेक्टर्स। इट्स टोटल लैक ऑफ सेंटिमेंटलिटी, prostitute, it's set in a brothel and yet there is no overt romanticism with it. Characters are humans, like both Shabana Azmi's character and Smita Patel's also there, right, in Mandi? Yeah. That is both realistic, relatable, and these are people. They are in sex trade, but they are people, they are real people, they laugh, they get angry, they get bitchy with each other. I think that was a very, very nuanced portrayal of that world. Usually, दूसरी तरफ है सोच लीजिए पकीज़ा, which is also a classic film, but that's a very classical way of looking. Oh, सुंदर महिला है, देखो ये तो मरेगी, ये क्या क्या, इनके दिल में कितना दर्द है। ऐसा नहीं है कि मंडी के कैरेक्टर्स के कोई दर्द नहीं है, but that's not overtly romanticized. They are treated like people first. I think that's one of the most striking female portrayal that I have seen in Hindi films, I would certainly say. Love it. एक सवाल आप सबसे पूछूंगा, अगर इजाजत है तो एडवांस में, और ये हम सब के लिए ये रेलेवेंट है। लेखक भी और लेखिका भी समाज में रहते हैं, समाज में जो हम देखते हैं एक एटीट्यूड्स जो है, कंस्ट्रक्ट्स है, फॉर्मुलेशंस जो है, उस पर हम पले बढ़ते हैं। कई लोग होते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली भी सोच के हम उसके उससे लड़ते भी हैं अपने अंदर, जैसे जयदीप कह रहा था कि टैकल करते हैं, तो अपने अंदर भी तो अपन टैकल करते हैं। हम भी तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के भी कुछ हद तक शिकार है, क्योंकि इतने हद तक फैला हुआ है, केवल जेंडर भी नहीं, कास्ट स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं, कम्युनल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, रेस स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जेंडर की बात हो रही है तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। रितेश से शुरू करते हैं, रितेश प्लीज। ओके, माफी चाहूँगा, सवाल थोड़ा सा डेलीकेट पूछ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि एक उदाहरण, एक मिसाल आप ये दो कि वेयर यू हैड टू फाइट विथ योर ओन एटीट्यूड व्हेन यू वर लुकिंग एट अ वुमन कैरेक्टर, कि भैया सीन लिख रहे हो या उसकी पर्सनालिटी का कुछ एक पहलू पेश कर रहे हो, कि तुमको कहीं ऐसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद फिसल के स्टीरियोटाइप में जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये एटीट्यूड लेके आया हूं एज अ मैन, ओके, इवन फॉर वुमेन, आई मीन वी इंट्रोजेक्ट दैट थिंग। सो आई एम सेइंग द नेसेसिटी फॉर अ राइटर as an artist who's making a comment on society to also fight those social attitudes within himself or herself. Aisa koi kissa ho where you feel you evolved by questioning yourself? Mera evolution to scientifically ab impossible hai, conditioning itni zyada hai ki ab matlab bhagwan hi malik hai, but kuch bahut choti cheeze hain jinko jinka representation cinema mein aur jiske bare mein ki shayad bahut baat nahi hoti hai, आप उसके बारे में बात करना चाहते हो बट यू डोंट नो वेदर यू आर एडिक्वेटली कॉम्पिटेंट टू डू दैट। जैसे टच के बारे में है, टच के बारे में जब से मैं आई थिंक क्लास 3-4 में गया हूँ, मेरे से बड़ी मेरी काफ़ी कजिन्स हैं, 40 हैं, तो अब जब वो कॉलेज से बस से घर आ रही हैं पढ़ते वक्त, मतलब पढ़ा रहे हैं लड़कियों को, कश्मीर में तो एजुकेशन का 40 से ही कल्चर रहा है, तो टच के बारे में हमेशा एक बात होती है कि जब आपको अगेंस्ट योर विल या एक सरप्टिशियस तरीके से, चाहे बसेस में चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, दिल्ली में भी बहुत होता है,
या खुद जिनसे बाद में आपके संबंध होते हैं जो आपको बताते हैं अब आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, आपको मालूम है कि ये फीलिंग में आप एम्पैथी कह लो, फिजिकल रेप्लिकेशन कह लो, क्योंकि मर्द और औरत की शरीर की बनावट ही अलग है, तो गेज या टच का क्या इम्पैक्ट है उसकी पिंक के बारे में भी हमने एक डिस्क्रिप्शन, एक फीलिंग की बात करने की कोशिश की। अब उसमें इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने एड वर्बेटिम जिन लड़कियों को मैं जानता था जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फीलिंग है वो मेयरली मैं उठा के रख रहा हूँ। अब वो सही है गलत है कि क्या है, एक इनएडुकेसी की फीलिंग है कि कुछ बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं जो शायद मुझे लगता है कि कोई लेखिका अगर हो तो बेटर एक्सप्रेस कर सकती है शायद। मुझे लगता है एज मेल राइटर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के या इन्फ्लुएंस होके हम एक फिलॉसफी के लेवल पे तो उसके साथ होते हैं बट उस चीज़ को एक्चुअली हम समझते नहीं, ना कभी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उस इनेबिलिटी को हम छुपाना चाहते हैं या एम्बेरस होते हैं जब ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, शायद उसका जवाब भी नहीं देना चाहते। वो इनएडुकेसी मुझे लगता है कि अब उससे आदमी इवॉल्व तो नहीं हो रहा है। एक्नॉलेज करना ही मेरे हिसाब से 60% तो प्रॉब्लम वही सॉल्व है। एक्नॉलेज हम लोग आते रहते हैं इसकी, मतलब मैं शायद यहाँ बोल रहा हूँ बॉम्बे में, मैं ना मानूँ इस बात, किसी एक्ट्रेस के साथ आर्गुमेंट करते हो तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, बेसिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ पर अपने अंदर दिल के अंदर तो तुम समझ रहे हो ना, तुम बोल रहे हो पब्लिक मंच पे बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात है बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गिव्स होप एंड रीअश्योरेंस कि भैया अगर हम बोल रहे हैं बदलाव आ रहा है तो आ रहा है क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से आ रहे हैं जो इंट्रोस्पेक्टिव है, ईमानदार है। तो वाइल आई वांट टू स्विच टू यू बिकॉज आई वांट आई एम वेरी वेरी ईगर टू हियर यू, आई हैवंट हर्ड इनफ ऑफ यू, तू बोल जरा तेरे अंदर व्हाट इज व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस दैट यू नीडेड टू फाइट इन टर्म्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, मच इवॉल्वड एंड लिबरेटेड एंड इमैन्सिपेटेड दैट यू आर व्हिच आई नो ननदलेस आई एम सेइंग वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सोसाइटी, हाउ डीपली एंट्रेंच्ड इज दैट। ज़्यादातर नॉट एट ऑल टू ब्लो माई ट्रम्पेट बट आई एम फ्रॉम कोलकाता विच आई रियलाइज हैज़ अ स्ट्रीट लेवल लिबरल कल्चर विच इज़ लार्जली आई हैव ग्रोन अप इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ व्हाट माई फ्रेंड्स और कोलीग्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया से। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली एंड आई कम फ्रॉम अ सिटी विच एंड अ कल्चर, देखो हमारे सारे पूजा भी महिलाओं के हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, काली जिसके ऑलमोस्ट और देश में कहीं भी पूजा नहीं होता है, द गॉडेस इन अ भयंकर रूप, अ ब्लड थर्स्टी गॉडेस। सो यू अंडरस्टैंड दैट बंगाल में हमारा थोड़ा एक्चुअली बंगाल में मेन आर वीक यूजली एंड विमेन आर ऑल लाइक दे आर गोना गेट देयर हस्बैंड्स एंड मेन इन पोजीशन। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, मुझे ज़्यादातर स्ट्रगल करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड, आई एम कॉन्स्टेंटली टोल्ड इंडिया इज नॉट लाइक दिस, इंग्लिश में बात करती हूँ, हिंदी मुझे पता नहीं है, मैं छोटे शहर से नहीं हूँ, तो ये मैं ठीक नहीं हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं कहीं और से ही आई हूँ, मार्स से आई हूँ, तो माई टेक ऑन जेंडर या मैं बोलूँ कि ऐसा क्यों है तो बोला जाएगा कि तुम कुछ इंग्लिश मीडियम कुछ अलग ही हो यार, ये ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा ही होता है। आई थिंक दैट्स समथिंग आई रियली स्ट्रगल विद इन अंडरस्टैंडिंग कि सच में शायद मेरा डू आई नॉट हैव द कनेक्ट विद अ लार्जर ऑडियंस, क्योंकि मैं कुछ अपने सब कल्चर से हूँ जहाँ पे ये सब प्रेवलेंट नहीं है। सो आई थिंक मेरा उल्टा है कि मैं वीक वूमन अपने पॉलिटिक्स के लिए लिख नहीं पाती हूँ, उल्टा है मेरे लिए, आई एम सो कंपेल्ड, आई एम सो कंपेल्ड टू राइट वुमेन हु हैव एजेंसी, आई एम नॉट ऑल्सो नॉट समबडी हु लाइक्स फ्लॉलेस वुमेन कैरेक्टर्स। आई थिंक महिला कैरेक्टर है इसलिए वो तो महान है, उसका तो सब कुछ अच्छा है, वो तो सती है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। सो आई थिंक माई बैटल इज दैट टू माई पॉलिटिक्स गेट्स इन टू द वे ऑफ परहैप्स वॉट मे बी द लार्जर रियालिटी इन इंडिया, यू नो आई डोंट एन्जॉय वॉचिंग विक्टिम
stories of womanhood. As a woman writer, I never want to write about a woman as a victim. I want to write about badass women. I want to write about women who are not pleasant, who are not likable, who are certainly not beautiful, and yet is a vibrant character. So I think that's been more my challenge, that I do not have a connect with what is conceived as prevalent reality for the large part of India. Bhavani, talk about us. Bhavani, talk a little about the Kaipocha character, no? Lurki wala character, I will admit that is mostly from Chetan Bhagat's book. That's the character that I've touched least in my screenplay. And I think Chetan also did a great job of capturing. Ek Ahmedabad ka story hai, Ahmedabad ki ladki hai, par aisa nahi ki wo bahar koi jhanda laga ke feminist hai ya aisa kuch hai, par wo private tuition ke time hi she is the one who is in power. Wo ladka lallu ban jata hai uske samne, and she is the one who proposes ke date pe chalte hai, ha ghar pe bol dungi maths book khareedne ja rahe hai, ha theek hai abhi Navratri hai, tum aajao mere. So she makes all the first moves, and I thought that was beautiful in the book, and we retained it almost intact in the film. I didn't really have to work with the woman's character there. In fact, I'll give you a small example of how I'm a misfit. Mujhe laga tha ke teen dost the, ek ladka ka behan hai, jo dusra dost date kar rahe hai. Mere duniya mein ye bahut sahi hai yaar, agar mera dost hai तो मेरा दोस्त मेरे भाई या बहन के साथ प्यार हो ही सकता है ना, मुझे भी तो अच्छा ही लगता है ये दोस्त कैरेक्टर, राइट? तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि मेरा दोस्त मेरा बहन के साथ एक अफेयर कर रहा है या जो भी प्यार हो रहा है. तो आई जस्ट वॉजंट आई फेल्ट दैट वॉज लाइक वॉट इज दिस रिजर्वेशन अबाउट, बिकॉज वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है तो बंदा तो अच्छा ही है, तो वो अच्छा बंदा अगर तेरी बहन के साथ घूम रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? बट चेतन और मेरे डायरेक्टर बोलते रहे ऐसा नहीं होता है, आपको इंडिया नहीं पता है, भाई भाई बहन का रिलेशनशिप ही है, राखी भाई बहन है. चलो चलो बाबा ठीक है, आप लोग ही जानते हो जैसे आप लोग बोलो भाई वो ही सही. In my case, you know what happens is ke usually I hope abhi shayad time se better ho raha hai,